मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ आज लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ ऐसा करने वाले यूपी के इतिहास में पहले नेता बन जाएंगे। कल शाम को ही योगी आदित्यनाथ को बीजेपी गठबंधन के विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर यूपी में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता शामिल होंगे, तो वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन कर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को समारोह में आने का न्योता दिया है। खबरों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के साथ करीब 47 से 48 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। योगी की नई कैबिनेट में 7 से 8 महिलाएं भी मंत्री बन सकती हैं। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर 2 डिप्टी सीएम बना सकती है। केशव प्रसाद मौर्य, जो अपना विधानसभा चुनाव सिराथू विधानसभा से हार गए थे, उन्हें एक बार फिर उप मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जा सकती है। तो वही यूपी बीजेपी की जीत में बेहद अहम भूमिका निभाने वाले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा का भी दोबारा मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वही आईपीएस की नौकरी छोड़कर समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले कन्नौज से चुनाव जीत कर आए असीम अरुण को भी योगी सरकार में जगह मिल सकती है। इसके अलावा पिछली योगी सरकार में मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह को भी योगी सरकार में एक बार फिर मौका मिल सकता है। वही महेंद्र सिंह, जो कि योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, इन्हें भी योगी के कैबिनेट में अहम मंत्रालय दिया जा सकता है। योगी सरकार में महिला मंत्रियों की बात करें तो उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य को भी योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बेबी रानी मौर्य की दावेदारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि वह पार्टी के दलित चेहरों में से एक है। वही चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले और ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले जितिन प्रसाद भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ओबीसी कोटे से अनिल राजभर, जाट नेता भूपेन चौधरी का नाम भी मंत्री पद के लिए तय माना जा रहा है। वही बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के संजय निषाद की योगी कैबिनेट में जगह पक्की मानी जा रही है। इसके अलावा बृजेश पाठक, सतीश महाना, अश्विनी त्यागी भी योगी कैबिनेट में नजर आ सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि जिन विधायकों और पार्टी नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है, उन्हें राजभवन की ओर से शुक्रवार सुबह से ही फोन जाने शुरू हो गए हैं। योगी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए पूरे लखनऊ को केसरिया रंग में सजा दिया गया है। विशेषकर एयरपोर्ट से लेकर शपथ ग्रहण स्थल तक बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ लिखा है, शपथ राष्ट्रवाद की, सुरक्षा की, सुशासन की और विकास की। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।